उठेगा। ओम नमः शिवाय। जस्ट स्टार्ट होने वाला था। आगे तुम्हें हाय गाइस, इधर कटलेट बना रही हूं मैं और इधर गाइज गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल श्रुतिज़ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक ही हूँ। और गाइज मैं आई हुई थी अपनी बुआ के यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं अपनी बुआ के यहाँ जाया करूँगी, तो मैं भी यहीं थी। और इधर चल रहा है थोड़ा बहुत काम, इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है मीशो वगैरह इन सब का, तो उसकी पैकेजिंग वगैरह यहाँ पर, मतलब सारे प्रोडक्ट वगैरह जो भी जाते हैं वो सब ये सब होता है, मतलब जो भी है। तो मैं यहीं आई हुई थी। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11। और आज मेरा गला बहुत ख़राब है। वैसे मैं आने नहीं वाली थी आज सुबह, मेरा गला ऐसे बोलना भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, लेकिन अभी तो मैं ठीक ठाक बोल रही हूँ। और अभी मैं बाहर आई हुई थी, इनके घर के बाहर ऐसे ही। और ये पीछे आंटी काम कर रही हैं, ये नेट जो विंडो नेट होती है ना वो नेट बनती है, मतलब वही ज़्यादातर मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं उसके, और टॉयज़ वगैरह ये सब। तो गाइज अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऐसा खास काम नहीं है। गाइज इनका बुटीक भी है, पार्लर भी है, सब काम है इनके। तो व्लॉग, तो गाइज ये बुटीक है इनका। अभी मैं चलती हूँ अंदर क्योंकि मुझे लग रही है भूख, तो मैं कुछ खा लूँ क्योंकि पेट पूजा ही सबसे पहली पूजा होती है। तो मैं चलती हूँ। तो गाइज मैं आ चुकी थी अपने मोहल्ले में, मतलब मैं घर आ चुकी हूँ, और अभी मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे साथ मेरे घर जाने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब वो आ जाती है। अभी तो मैं फ़िलहाल उसका वेट कर रही हूँ, वो रिक्शे में आ रही है, तो मैं यहाँ पर उसका वेट। फंसी आ जाऊँगा ये और बहन सामने से मुझे कोई आ जाना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। मेरा तो कैमरा खुलते ही डाउन हो जाएगा। गाइस हमारी ना मस्ती बहुत चले ऑफ कैमरा, लेकिन कैमरे के सामने ये बहुत शाई हो जाए, कैमरा शाई पर्सन है वो रैपट, और मैं पता नहीं कैसा पर्सन हूँ। तू तो कैंडा पर्सन है। शर्ट आप मेरा 2 इंच कम हो गया। तो अभी हम जा रहे घर, पहले मुझे लेना साबूदाना क्योंकि आज बनूँगी साबूदाने के कटलेट, और अभी हम घर जाके बनाएंगे चिप्स। अच्छा आखिरी थे ना। तो गाइस जो मेरी दुकान आ गई जरा वो ले लो साबुदाना। अभी क्या हुआ, मैंने से यू की देख तो ये बांडी हो गई थी पूरी। यो कैमरा खुल तो ये चुप हो जा। और उससे पहले ये इतनी बोल ले हमारा हंस के आंसू आ जा पेट में, पेट में कैमरा खुलते ही कुछ नहीं सोचता। आई गाल में दर्द हो गया भैया। क्या था ये, कोई कुत्ता देख के डर जाएगा तुझे, क्या कौन कर रहा है। देख मुक्का मार के सामने नहीं होता, पता नहीं क्या आ क्या था, ये कौन सा आ था। मैं आज पता क्या देख रही थी यूट्यूब पर, कह उसमें बैठी पब्लिक प्लेस पे क्या बंद कर रहा। तो गाइस सुन लो इसकी जरा, हम घर वैसे हम अपनी गली में हैं पहुंच गए। तो भाई मैंने यो मंगाई थी शर्ट जो मैं आज पहन के गई थी, इसने ना मेरी सारी वाइट जीन्स पिंक कर दी क्योंकि वो वाइन कलर है, पता नहीं कैसा कलर है, तो पिंक कर दी मैंने, से रिटर्न डाल दी। अब कोई कुछ हो ही कहता रहा मुझे, ये नहीं बताने की हर बार यही करे। हर बार नहीं करती गाइस। यो इसलिए हंस रही इतना क्योंकि यो गाइस कहने में बहुत हंसा है मेरे। तो शुरू थी क्या गाइस, ये हर बार मीशो से कुछ ना कुछ ऑर्डर करे, उसके बाद ये उसे पहने, पहन के फोटो खिंचवाए, फिर वीडियो बनाए, और उसके बाद उसे रिटर्न कर दें, फिर उसकी जगह दूसरा मंगाए, फिर उसे पहन के फोटो खिंचवाए। कोई कोई रिटर्न करूँ मेरा टिक पहन, कोई कोई रिटर्न करूँ, कोई कोई यो बेकार थी, इसने मेरी सारी जीन्स गंदी कर दी भाई। कोई सारी कोई? हाँ
वो कोई कोई कौन सी वो कोई 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 रिटर्न नहीं करती, कोई कोई रखे है तू, और उन कोई कोई में से एक तो होगी मुश्किल। मैं मेरे सारे कपड़े मीशो के हैं, सारे रखे मेरे पे अभी भी, मैं अगर मैं मीशो के सारे कपड़े दिखाने लग जाऊँ ना मेरी सारी अलमारी बाहर आ जाएगी। ये बजी नहीं फिर ये तो यूँ कर रही थी तू, बजी नहीं है सेल करी, ये देखो उल्टा आता है ना भाई मेरा, अब देखो बज गई। पहले ये क्या है? सिक्के। किसे मिला? मम्मी को। चलो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ आलू के चिप्स, चलो मैं आपको लेके चलूँ। आपको आपको लेके चलूँ? ए क्या चुप रहो। चलो गाइस हम नाश्ता करते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है, हमारा व्रत है, आखिरी व्रत है आज मेरे चैलेंज की, तो हाँ मैंने होगी। इसने पता चाय कैसे बनाई? ये पैकेट बिल्कुल ऐसे डाला, ओम नमः शिवाय, जैसे मतलब पता नहीं क्या ही कर रही है। अब गाइस मैंने ये चिप्स बनाए और इसमें मैं नमक डाल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब इसमें मैं नमक डाल के खाएंगे, इसमें हम दोनों, और हमारे पास नमकीन भी है, हमारे व्रत का नाम पे खूब खाना चल रहा है इस टाइम। पूरे दिन में भिखारी होना बोल रही है। मैं भी तो इसीलिए तो चल रहा है इतना, इतनी चलता नहीं, मैं एक टाइम ही खाऊँ वैसे तो। और ई बहन साबुदाना दे दोबारा, मैं साबुदाना भिगोना भूल जाऊँ बार बार। गलियां तेरी गलियां। गाइस एक बार का इंसिडेंट बताऊँ मैं आपको, हम दोनों ने यूँ सोचा था, राइजिंग स्टार स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, राइजिंग स्टार सिंगिंग कॉम्पिटिशन, गाइस जो कलर्स का आता था वो तीन सीजन ही आया। मुझे याद नहीं, मैंने चिन्ह डाली थी इसमें, देखो कितनी दूर से फूको करके देखिए, सूंघ के पता चल जाएगा। मैं सूंघ के क्या कर लूँ, तुमने डाल दी नहीं इसमें? मैंने डाला कुछ तो, डाला मैंने इसमें, ये भी जलना जावे चूतिया, नहीं जलने के मैं ना बहुत गाली दे रहे गाइस बहुत ज्यादा। कौन है? हम। तू तू भी तू, तूने ये डाला था क्या इसमें? नहीं डाल दो, तूने भी डाल दे। हाँ तो मैं एक इंसिडेंट बता रही थी, राइजिंग स्टार स्टार्ट होने वाला था, हम 11th में थे गाइस, ठीक है, तो हमने क्लास में बैठे बैठे ही सोचा हमारी तो आवाज बहुत अच्छी है हम गाना गाने की वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उन्हें भेजेंगे राइजिंग स्टार वालों को, कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो ही जाएगा इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि हम दोनों में से कोई ना कोई तो पक्का सिलेक्ट होगा। और हमारी एक दोस्त थी अल्फिया, उसके घर पे जाके बनाएंगे क्योंकि उसका घर बहुत सुंदर था, तो उसके घर पे जाके वीडियो बनाएंगे और उसे अपलोड कर देंगे राइजिंग स्टार के ऐप पे, मतलब वूट पे होता था वो, वूट पे, ठीक है। तो हम इतने बड़े पागल थे और हमारी भैंसटे जैसी आवाज वे सुनते ही सब चीज ब्लॉक कर देते हमारे हमने ऐसा कैसे सोच लिया, हम इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं। गाइस हमारे इतने इतने किस्से, हमारा नाश्ता बन चुका है, चुप हो जा मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये इसने चाय बनाई गाइस, ये चाय बहुत अच्छी बना है वैसे बिल्कुल तूने तो इसमें चीनी डाली थी तो? फिर तुम्हारी चीनी छोटी है? छोटी? तूने कितनी चम्मच चीनी डाली? तीन। दो कप चाय में तीन चम्मच चीनी डालेंगे, सब इसमें मीठा नहीं है, इसमें चीनी डाल के दिया। तो गाइस अभी हमारा बन चुका है नाश्ता, तो अभी हम खा रहे हैं और फिर खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। हम आपको एक दिन, मैं हमारे किस्सों पे भी एक व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि हमारे किस्से इतने इंटरेस्टिंग है ना, हमारी स्कूल लाइफ के, हमारी ट्यूशन लाइफ के, हमारे घूमने फिरने के, हर तरीके के किस्से इतने मशहूर है ना पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन वो व्लॉग पूरा नहीं होने का कभी भी, क्यों परवा। तो चखना भी चाहूँ, रखना भी चाहूँ। सबसे छुपा के तुम्हें हाय रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हाँ रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा। चलो गाइस हम आपको एक गाना सुनाते हैं, हमारा एक फेवरेट गाना था पहले, कौन सा सारे तुम्हारे तो कौन सा नहीं, जो हम ट्यूशन साथ करते गाते थे उनमें से कोई सा एक तो होता, रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे। तुझे पता है एक गाना तुमने रिपीट पे सुना अपने ब्रेकअप के टाइम पे, जाने दे मुझे दे जुदा ना रोज रोज तोड़ दिल मेरा, ना होगे जुदा, पता नहीं
कैसा गाना था वही गाइस, ना तोड़ दिल मेरा जाने। गाइस हम ट्यूशन जाते थे ना, लूप पे सुनती थी गाना, लूप पे एक सेकंड को भी बंद नहीं होती। अब मेरे पे जियो का फोन था, वो छोटे वाला चलता था वो छोटे वाला वीडियो बाकायदा वीडियो चला के सुनती थी, वही कान पे यूं लगा के सुनती थी पीछे बैठ के, क्योंकि ट्रैफिक में इतना नहीं सुनता था। और उसके बाद या तो बहुत तेज हो गई थी या बहुत कम हो गई थी, तो ऐसे ही। और एक वो वाला गाना सुनती थी, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे मुझ में हर एक सांस। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जुड़ेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, कान फट जाएंगे पर कोई नहीं गाइस, हमें शौक था बहुत ज्यादा गाना गाने का, बहुत ज्यादा। और अपनी आवाज सुन के यूं सोचते हैं हमारे से बढ़िया कोई सिंगर नहीं है, हमने यूं तक सोच लिया था कि हम राइजिंग स्टार, हम खुद को फ्यूचर सिंगर भी समझते। मुझे 12th तक किससे याद आ जाओ गाइस, हमारे स्कूल में ना अंकित सर थे, 11th और 12th में BST पढ़ाते थे MG पब्लिक स्कूल में, और इसे उन पर क्रश था, बहुत तगड़े वाला, बहुत गंदे वाला, आज तक भी मुझे उनकी याद आ जाए कभी कभी। और मतलब और वो पूरे स्कूल में किसी को पसंद नहीं थे, किसी को भी, पर मैं उनके 10 पीरियड भी ले सकती थी। और पता हम चार दोस्त हुआ करती थी 11th 12th में, हम उनके पीरियड में आगे बैठते थे, सबसे आगे 12th में, बस 12th में, 12th तक अनुषा एक ने हमारे साथ, हाँ 12th में, हाँ 12th में हम सबसे आगे बैठते थे, सबसे आगे, बिल्कुल उनका चेहरा मेरे सामने दिखता था सर कुछ कर वो ज़्यादा पर्सनल हो जाए उसमें ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी तो वो नहीं बता सकते हैं। मतलब इतना फन था ना बहुत ज़्यादा। और कौन से टीचर कैसे बता रहे हैं गाइस को मुझे आज गाइस इसे अभी आपकी ताकत को पता नहीं अभी ये कह रही, अभी ना हम उनके व्लॉग्स देख रहे थे, डिंपल मलान अभिषेक ये सब डिंपल मलान ये ट्रिगर इंसान के, तो उनका घर बन रहा गाइस, इतना कैड़ा घर बन रहा ना, हम तो यही सोच रहे थे बस हमें कैमरा पकड़ने के लिए रख लो पर हमें रख लो, मतलब ऐसा हम सोच रहे थे, उनसे नहीं कहा हमारी औकात नहीं इतनी गाइस तो उन्हें कैसे दिखाना, कह नहीं सकते। तो मतलब इतना आलीशान घर बन रहा ना, इतना आलीशान क्या बताओ, इतना तो एल्विश का भी नहीं बन रहा, एल्विश तो पता नहीं अलग ही जोन में चला गया, एटीट्यूड आ गया बंदे में, एटीट्यूड आ एक तो मैं बनाने वाली बहुत अच्छी जैसे कि वो मेरा फूफा लगे एक ही मेरे से पूछ रही जैसे वो मेरा भाई तब तक पूछ रही थी इतने कॉन्फिडेंस से बोला था, उसमें ना एटीट्यूड आ गया ऐसा लगता है गाइस उसको देख के, उसके मतलब व्लॉग्स वगैरह हैं। हाँ तो गाइस ऐसा घर चाहिए हमें, तो यही कह रही थी श्रुति जल्दी जल्दी व्लॉग बना, मोनेटाइज कर चैनल, भाई मोनेटाइज करवा दो मेरा चैनल प्लीज, व्यूज बढ़ा दो कुछ तो कर दो। चलो बहुत बहुत बात होगी, चुतिया गुड्डा तोड़ दिया मेरा, 10 मुक्के मार दिए तुमने इस मदद से, हट। ये तो सुना था जो तू ना मिला, वही तो बताने वाली थी अभी, और मैंने ये वाला सुना था जो तू ना मिला तुझे, ए मैंने नहीं बताया था तुझे कौन है, क्योंकि मैंने बहुत सुना था वो, भूल गई क्या, नहीं मैंने इसलिए सुना था क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, तो एक गाना बजा रखा था वो, तो वही बजता रहता बिना नेट के तो इसलिए बार बार मैं वही सुनती रहूँ थी। और अच्छा गाना है वो, बहुत ज़्यादा, अजीम अजीम रिस्क क्या नाम है इसका सिंगर का नाम क्या है, अजीम रिस्क, अजीम रिस्क, अजीम रिस्क, असीम रिस्क, अजाम रिस्क, तुमसे ना हो पाए रिस्क अजीम, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या नाम था उसका, और वो लड़की पाकिस्तानी है सजल अली, सजल अली ज़्यादा ही पाकिस्तानी एक्सेंट वाली गाइस आपको हमारा एक्सेंट कैसा लगता है, कुत्ते बने मेरा ना एक्सेंट बदलता रहा है, जब मैं अकेली रहूँ तो मैं थोड़ा तमीज बोलती हूँ, और जब मैं दोस्तों की साथ, अच्छा जब मैं दोस्तों के साथ बोलूँ तो मेरा बिल्कुल मुजफ्फरनगर भी पार कर दूँ मैं इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि हम फोन हम मैं
मैं और मेरा खाना। यही से तुम्हें वो याद आ गया, वो ए वो नया डांस स्टेप चल रही है उनसे, उसके टाइगर श्रॉफ वो है 3D सैनन है उसमें, मैंने समझ लिया। वो है आउटर इंटरनेट इंटरनेट वो आज बिग बॉस में आएंगे। आज गाइस बिग बॉस बहुत अच्छा लगा, देखूंगी तुम्हें भी, देख रहा होगा तुम्हें गाइस। मैं बिग बॉस की डाई हार्ड फैन हूँ, सिर्फ एक लड़की है जिस जो बिग बॉस देखकर मेरी दोस्त है, इसे भी सिखा देता मैंने एक टाइम पे, वरना भगवान मुझे एक विश दे मांगने के लिए तो मैं यही कहूँगी बिग बॉस बंद हो जाओ। एक रात का सारा हो मुझे हील करने का, एक रात का कृष्ण गाइस गाइस इसके गाइस लोगों को मूव ऑन तभी बोल गाल गाल दे रही कहते हैं तेरा भी मेरा भी उसे बीप कर दिए तो बीप की छोड़ घर वाले देखे उन बारे कुछ पर्सनल बात थी इसलिए अब बोल। लोग मूव ऑन दूसरों का दुख देख के ही हो गए, जैसे कि इन जैसे ये दूसरों का कलेश देख के वो उससे लड़ रहा वो उससे लड़ रहा, पता नहीं क्या मजा है, वो उससे लड़ रहा वो उससे लड़ रहा, वो उसने उसे यूं कह दिया, ईशा ने उसे प्रपोज कर दिया, ईशा ने उसे यूं कह दिया था, इसी मुझे फिजिकल एक्टिविटी क्या फिजिकल वायलेंस करा, अरे वो यूं कह रही कि मेरे मुझे एक और मौका देना चाहती हूँ मैं, आप तो सलमान उसे काटेगा, ये भगवान करो क्या होएगा क्या, जैसे इसकी इसकी माँ लगे ईशा ऐसे कर रही है, ऐसे एक्साइटेड हो रही है, भगवान क्या कहेगा पूरा उसे ईशा, ये देख ईशा कह रही है एक ना बिग बॉस पे पिछले बिग बॉस पे एक लड़की जो रही इतना गंदा ब्लॉग डाल ना दिए इसे, सही बता रही पिक्चर नहीं नो नो डर लूंगी मैं से नो कट कट करके नो 10 मिनट गाइस मुझे पूरा पूरे दिन का ब्लॉग 10 मिनट का बना छोटी सी कन्वर्सेशन ही 10 मिनट की हो गई। हां तेरा पूरा ब्लॉग ही 10-15 मिनट का हो गया ना, क्या डालेगी इसमें इसका इतना गौर से तो फोन इतना लाइन से टाइम दिख रहा उसका बैंक पर पकड़ पैर हम चल रहे हैं, अभी हम चलते हैं बस, अब बहुत देर गाइस अब मैं चली गई थी घर पे और मैं अपने घर आ गई थी उसको छोड़ने के बाद, अब मैं व्लॉग लेना भूल जाती हूँ गाइस बार बार, मैं क्या करूँ अभी मेरी आदत नहीं पड़ी है व्लॉग्स लेने की, तो अभी मैंने खाने की सारी तैयारी कर ली है और मैं आज कुछ अच्छा अच्छा सा बना रही हूँ क्योंकि आज आखिरी व्रत है और कल अष्टमी है और हमारे अष्टमी पूछती है तो कल कन्या जी मेंगी, कल का तो खैर मैं दिखाऊंगी आपको लेकिन आज का भी बता देती हूँ। आज एक तो मैं बना रही हूँ साबूदाने के कटलेट और आलू और मतलब मैं रेसिपी बताऊंगी अभी आपको किचन में जाके, मतलब एक बहुत मतलब पराठे टाइप आलू में ही आटा मिक्स करके, वो मैंने उस पर देखी थी क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब पे ही देखी थी मैंने रेसिपी, बहुत टेस्टी लग रहे थे वो तो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, और तो अभी मैं खाना वाना की सब तैयारी हो गई है बस बनाना बाकी रह गया है, तो अभी चलते हैं किचन में आपको दिखाती हूँ मैं, तो चलो गाइस। गाइस मैंने सारे खाने की तैयारी कर दी है, मैंने कटलेट के लिए बनाया है, इसमें गाइस मैंने आलू मैश किए हैं और उसमें भिगो के रखा था साबूदाना वो मैश करके नमक मिर्च डाल के मतलब सेंधा नमक डाल के उसको मैश करके अच्छे से ऐसे कटलेट टाइप में वो बना लिया, और इधर मैं रायता बनाऊंगी और इधर तेल रख दिया मैंने, इधर आलू बन रहा है और ये मैंने पैन रख दिया है इसके लिए। गाइस ये मैंने कूटू के आटे में आलू मैश करके एक आटा अच्छे से गूंदा है उसमें घी भी डाल के, और गाइस इसके मैं पराठे की तरह लोई बनाऊंगी, तो ये आज का खाना है, तो चलो गाइस मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और मैं इतना खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज आखिरी व्रत है, मेरे को व्रत का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो चलो मैं बना के मिलती हूँ आपसे। गाइस इधर कटलेट बना रही हूँ मैं और इधर पराठे मेरे बन चुके हैं, बस कटलेट का वेट कर रही हूँ फिर मैं भोग लगाऊंगी, मतलब मम्मी बना रही मैं तो नहीं बना रही है। खाना बन चुका है और बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है, आज पहला वीकेंड का वार है तो मज़ा आएगा, और मैं चलो खाना खा लेती हूँ, गाइस ये कटलेट बहुत टेस्टी लग रहा है तो चलो मैं खाना खा के मिलती हूँ। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है, आपको मेरा गला बैठा हुआ दिख रहा होगा, और बस इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है, बहुत गंदी आवाज़ हो गई है मेरी अभी, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।